हेलो दोस्तों, ये सहरसा फारबिसगंज सीताधार रेल रूट है। ये आगे सीताधार का ब्रिज है, वो नई वाली, उसी का भी उसी पर अभी हम खड़े हैं। ये सीताधार वाली ब्रिज पे हम खड़े हैं, सीताधार वाली ब्रिज वाली पटरी पे हम खड़े हैं। उधर से जो ट्रेन आ रहा है एक, अभी हम आपको दिखाएंगे। ये ट्रेन जो आ रहा है ये सहरसा की तरफ जाएगी, दरभंगा सहरसा की तरफ, सरायगढ़ की तरफ ये जाएगी। ये देखते हैं, देख रहे हैं, ये आ रही है, ये जाएगा। अभी जगवानी वाली लाइन पे है ये, अभी सहरसा वाली लाइन पे घुसेगी। यहाँ पर कट है, कैंची बनी हुई है, यहाँ से घुसेगी। आपको दिखाएंगे, आ रही है। इधर ग्रीन सिग्नल किया हुआ है, इस तरफ ये इस पर आएगी। वो वाली लाइन जो देख रहे हैं, वो वाली लाइन, वो बैठे हुए जो आदमी है वो जगवानी वाली लाइन है। हाँ, ये सहरसा वाली लाइन है, ये बाईपास। ये देखिए, ऐसे, ठीक है, ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ट्रेन नज़दीक आ गया है। ये देखिए ट्रेन, मालगाड़ी है, कुछ लेकर आ रहे हैं। हाँ, ये देखिए, आगे सीताधार नई ब्रिज है। वो ब्रिज है वहाँ पे, जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। और ये इधर ये देख, जिस पर अभी हम खड़े हैं, जिस पर वो लोग बैठे हुए हैं सामने में, वो नई वाली ब्रिज का पटरी है। और जिस पर जा रही वो बाईपास वाली है, देख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे कैंची बनी हुई है। जो आगे भी ब्रिज है, छोटी सी लोहे की ब्रिज, वो दिख रहा होगा उस मकान के पीछे, वो जो झोपड़ी उसके पीछे है। और ये जल्दी ऐसे करके सहरसा के तरफ, प्रतापगंज जाए कि दरभंगा जाए कि सहरसा जाए, अब वो आगे जा रही है। लेकिन अभी हम फारबिसगंज पे खड़े हैं। ये देखिए, हाँ, बहुत लंबी है, बहुत लंबी है ना। वो जो लोग बैठे हुए देख रहे हैं, वहाँ पे ब्रिज है, ब्रिज पे भी पटरी बिछ गई है, ब्रिज भी तैयार है, ब्रिज के उस तरफ तैयार नहीं है, ढाले के पास, वहाँ पे काम को रोके हुआ है। अब क्या कारण है, क्यों रोके हुआ है, वो वही लोग जाने। अभी कोई है भी नहीं, जो सब लंच किए हुए लंच पे है, सभी लंच पे गए हुए हैं। होते तो कुछ को पूछ लेते हम। ये पटरी नई वाली है, एकदम तैयार है, एकदम जोर जार के बराबर है। यहाँ पहले कट लगा हुआ था, जहाँ हम करे थे वहीं पे कट लगा हुआ था, इससे आगे पटरी नहीं थी, इससे आगे पटरी नहीं थी जहाँ पे हम खड़े हैं। लेकिन ये देखिए आप, यहाँ से आगे पटरी ब्रिज के उस पार चले गए हैं, उस पार ढाला तक, ढाला के पास सिर्फ काम रुका हुआ है। और वहाँ पर काम कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ काम देखें आज नया हो रहा है, वो जो है बिजलीकरण वाला फाउंडेशन का काम हो रहा था, जमीन में ढलाई करता है खम्बा गाड़ने के लिए, उसका काम हो रहा था वहीं ब्रिज के पास। ढाला तक हो चुका है, ब्रिज तक होना था, ब्रिज तक पहुंचा हुआ है, आगे भी रहा हुआ है। दो चार खम्बे वाला फाउंडेशन किया है, दो चार खम्बे वाला फाउंडेशन करना है, उसको ला कर यहाँ जोड़ देना है। ये ब्रिज देखते हैं, ये वाली, इस पे जोड़ना है पटरी। ये गार्ड साहब है, ये गार्ड साहब थे, चल दिए इन्होंने सहरसा, ठीक है। ये जगवानी वाली लाइन जो पटरी है, उधर जो लाल सिग्नल किया हुआ है, ये दिख जाएगा आपको, है ना। ये गोलछा का मिल है, आटा मिल, गोलछा का आटा चक्की है। ये सीताधार है, आगे ब्रिज है। चलिए दोस्तों, हम आगे तक आपको लेकर जाते हैं ब्रिज तक, आप लाइन पे बने रहे।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आवे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है काम करने के लिए। अगर हमको काम करना है तो लाइक सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी। हमको लगेगा हाँ आप देख रहे हैं तभी तो हम आगे और वीडियो बनाएंगे, जब आप देख भी नहीं कीजिएगा तो हम वीडियो आगे क्यों बनाएंगे, आगे यही ना रोक देंगे। ठीक है दोस्तों, हम पटरी पटरी चल रहे हैं, आगे ब्रिज तक आपको दिखाएंगे। जूम तो नहीं, नहीं। यहीं पे कैंची था, दोस्तों इस पर जो है ना और एक दो महीने लग सकता है, बड़ा सुलो काम है, चार पांच लोग देखें काम कर रहा है, ज़्यादा लोग नहीं है। हाँ और एक दो महीने इस पर लग सकता है, क्योंकि इस पर अभी कलर होगा, सीढ़ी बनेगी, कलर पेंटिंग करेगा, उसके बाद बिजलीकरण करेगा, फिर आगे जो है इस पर ट्रायल होगा तब चलेगा ट्रेन दोस्तों, बिना ट्रायल का नहीं चले जाएगा ट्रेन। अभी सिर्फ एक छोर से जोड़ दिया गया है, सहरसा वाली छोर से, फारबिसगंज वाली छोर से नहीं जोड़ा गया इसको, अभी जोड़ेगा, टाइम है जोड़ने में, काम तो उधर नहीं कुछ हो रहा है, जो काम है ब्रिज तक है, ब्रिज के आगे काम नहीं है, ढाला तक हो चुका है, लेकिन जो काम है ब्रिज में फंसा हुआ है, ब्रिज में कलर वलर होगा, ब्रिज में सीढ़ी बनेगा, दोनों तरफ पत्थर लगे।